नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। नेपाल के खिलाफ जैसे ही टीम इंडिया मैदान पर आई, टीम इंडिया की दो बड़ी कमजोरियां सामने आ गई। जिस टीम से हम ये भरोसा जता रहे हैं, जिस टीम के सामने हम ये सपना देख रहे हैं कि ये टीम इंडिया हमें विश्व कप जिताएगी, ये टीम इंडिया हमें एशिया कप जिताएगी, उस टीम की नेपाल जैसी कमजोर टीम के सामने पोल खुल गई। और पोल भी ऐसी खुली कि टीम इंडिया के बड़े से बड़े दिग्गज देखते रह गए। सबसे पहली कमजोरी, टीम इंडिया शुरुआत के पावर प्ले में नेपाल के खिलाफ विकेट नहीं चटका पाई। टीम इंडिया को नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ पहला विकेट 10 ओवर में जाकर मिला। अगर 10वें ओवर में आप नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ विकेट चटका रहे हैं, तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान या फिर आप ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड या फिर बाकी टीमों के खिलाफ आप कैसे करेंगे, क्योंकि इस टीम के पास मजबूत गेंदबाजी है। इस टीम के पास मोहम्मद सिराज है, इस टीम के पास मोहम्मद शमी है, इस टीम के पास हार्दिक पांड्या है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नेपाल का पहला विकेट 10वें ओवर में जाकर गिराते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं और टीम मैनेजमेंट को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। उसके बाद में दूसरा सवाल डेथ ओवर की गेंदबाजी, वो गेंदबाजी की कमी अभी भी टीम इंडिया की जस की तस बनी हुई है। हम 2021 एशिया T20 विश्व कप हारे, उसके बाद में 2022 एशिया कप हारे, 2022 में T20 विश्व कप हारे और 2023 में भी टीम इंडिया उसी रास्ते पर चल रही है। अभी भी टीम इंडिया के अंदर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। 2023 की बात, अगर एशिया कप की बात करें, तो टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से खेली वो आपने देखा। बल्लेबाजी की कमी साफ तौर पर हमें समझ में आ गई। ऊपरी क्रम किस तरीके से तहस नहस पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, ये हमने देखा। लेकिन नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ अगर हमारी गेंदबाजी की भी पोल खुल गई है, तो जाहिर तौर पर विश्व कप से पहले टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। अब सवाल केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नहीं है, सवाल फील्डिंग का भी है, क्योंकि नेपाल के खिलाफ शुरुआत के 5 ओवर में टीम इंडिया ने 3 बड़े कैच छोड़े। अब अगर आप क्रिकेट में कहा जाता है कि टेक कैच विन मैच, अगर आप क्रिकेट के मैदान पर कैच छोड़ोगे तो कैसे मैच जीत पाओगे। ये तो नेपाल की टीम है, हो सकता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीत जाए, हो सकता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज नेपाल के सामने शतक लगा दें। लेकिन जब आप पाकिस्तान के सामने जाओगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने जाओगे, न्यूजीलैंड के सामने जाओगे, तो जनाब कैसे जीत पाओगे, ये सवाल टीम इंडिया के सामने अभी भी जस का तस बना हुआ है। क्या अपने घर में हम विश्व कप जीत पाएंगे? क्या 2011 के बाद जो सपना हम देख रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, क्या धोनी के बाद रोहित शर्मा ये कारनामा कर पाएंगे, वो भी खासतौर पर इस टीम के साथ? ये बात जरूर बीसीसीआई को सोचना चाहिए। आप लोगों का इस टीम इंडिया की कमजोरी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।